सो हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो आज की सली वीडियो में हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं भाई प्यारी सी गेम जिसका नाम है माइनक्राफ्ट। अब यार आप सोचोगे लास्ट एपिसोड में तो भाई मैं कहीं और था, एंड यहाँ पे विलेज में मैं कैसे आ गया। तो मैं आपको ये मार खाए बिना नहीं मानता, ये कभी ये होगी चैन ना, मार खाए बिना नहीं मानता कभी। इसे इतनी बार बोला है भाई इंट्रो करने दिया अगर शांति से, और ये कभी मेरे को इंट्रो नहीं करने देगा, हमेशा ऐसी की तैसी कर देगा मेरे इंट्रो की। हाँ तो गाइस मैं कह रहा था कि ना देखो, मैंने जो पीछे जो विलेज आपको दिख रहा है भाई, हम ना यहाँ पे ट्रैवल करके आए थे हम, मतलब जहाँ पे लास्ट टाइम थे ना उसे थोड़ा सा ब्लॉक और कवर करके हम यहाँ पे आए। तो हमें एक विलेज दिख चुका था जो कि भाई मेरे हिसाब से बहुत सही चीज़ थी। मतलब स्टार्टिंग में विलेज मिल जाना बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। बाकी विलेज मिलने के बाद हमने यहाँ पे विलेज में लूटपाट करी थी, एंड जिससे मेरे को थोड़ा लेदर वगैरह मिल गया था। मैंने गाय वगैरह को भी मारा था यहाँ पे, लेदर का मैंने आर्मर बना लिया था, एंड शील्ड तो हमारे पास थी ही, ठीक है। तो ये पहन लेते हैं, एंड यहाँ पे मेरे को 3 एमराल्ड भी मिल गए थे बाय द वे, ठीक है। बाकी यहाँ पे खाने की अब कोई दिक्कत होने नहीं वाली मेरे को, एंड मैं अब आपको इस नमून के बच्चे से मिलवाता हूँ। हाँ ए नमूने, इसने मेरे को इतना परेशान करा ना भाई, कसम से बोल रहा हूँ। ये देखो ये क्या कर रहा है भाई वोटर बकेट के साथ। और हाँ गाइज मैं आपको एक बार बताता हूँ भाई, पिछले एपिसोड में मतलब खत्म होने के बाद ना जब हम इस विलेज में आए थे ना, तो भाई हमें यहाँ पे एक आयरन गोलम मिला था। मैंने कहा भाई आयरन गोलम को मत मारे, क्योंकि ना वो इस विलेज के विलेजर्स की प्रोटेक्शन करेगा, ताकि इन फ्यूचर हम विलेज के बंदों को लेके जा सके अगर हमें काम की जरूरत पड़े। लेकिन इस बंदे ने सुना ही नहीं भाई, इस बंदे ने पेल दिया। और चलो पेला तो पेला, और आयरन से क्या बनाया, ये वोटर बकेट ये बनाई इसने भाई। देख रहे हो ये क्या मतलब था, ये बकेट बनाने का बताएगा मेरे को भाई जरा, ये वाटर बकेट बनाने का। पानी पिएगा क्या तू जिंदगी भर, ये बता मेरे को भाई। मतलब बंदे ने बनाया भी तो क्या, वाटर बकेट बनाई थी क्लच करने के लिए। अच्छा, इधर जो एक बकेट जो एक बारी भाई, एक भी बकेट जो यार, एक सेकंड के लिए इधर आ, मैं पीछे आ, एक सेकंड इधर आ, मेरे साथ आ तू एक बारी, तेरे को क्लच करना ना। आ जा मैं तेरे को क्लच करवाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर आ, ऊपर आ जा, ऊपर एकदम ऊपर आ जा, ठीक है। और यहाँ पे मैं तेरे को वोटर बकेट जो है तेरी वापस दे रहा हूँ। करियो भाई क्लच एक बारी यहाँ से, तू यहाँ से क्लच करियो, ये ले भाई पकड़, करियो भाई क्लच करियो एक बारी, लोगों को तेरा क्लच देखना। जा ये देखो, अरे नहीं भाई कर दिया बंदे ने, तो मैं तो अलग ही समझ रहा था। पानी फेंक, चल मेरे को भी नीचे उतरना है। पानी फेंक ब्रो, बस बढ़िया। बाकी तूने वो तो, अरे पीछे आयरन गोलम इन्होंने एक और स्पॉन कर दिया, बढ़िया है। इससे मत मारियो भाई मेरे, इसे मत मारियो, देख मारियो मत इसे। और जाके ना तू जब तक अपना स्पॉन पे वो लगा ले, स्पॉन कह रहा हूँ मैं, अपना बेड पे हाथ लगा ले। देखो ये पंगे ले रहा है आयरन गोलम से भाई, कहीं पता चले पेल दे भाई। हाथ मत लगा दियो उसे, वो तेरी चटनी बना देगा, मैं सही बोल रहा हूँ। बाकी अभी जल्दी जा और क्या कहते हैं, अपना हाथ लगा ले बेड पे, कहीं पता चले भाई मर जाए, इतनी दूर स्पॉन हो जाएंगे बाद में हम। बाकी यहाँ पे हाथ लगा लेता हूँ मैं भी, तू भी लगा ले ब्रो। एंड यहाँ पे भाई हम आए नहीं है, देख रहा भाई होगी इधर, देख हम यहाँ पे आए नहीं, और यहाँ पे रात पहले होगी है भाई, सही है। कुछ कहना चाहेगा इस मामले में तू भाई? वाह वही ना ब्रो, देखियो रात हो गई, ये हूँ कह के अपने घर चले गए ये तीनों बंदे। बाकी अभी आयरन गोलम उनकी रक्षा करेगा, बाय द वे मैं भी अपना घर चला जाता हूँ। एंड भाई इस बंदे को ना चैन नहीं है भाई, उनके लिए घंटी बजाया जा रहा है भाई। इसे पता है घंटी बजाता है विलेजर्स की, ऐसी तैसी हो जाती है, इसे पता नहीं क्या मजा आता है घंटियाँ बजाने में। बाकी जल्दी जाके सो जाता हूँ भाई, कोई बेड नहीं है क्या विलेज में, कैसा सस्ता सा विलेज है भाई। यहाँ पे बेड वेड भी नहीं रखा, यहाँ पे एक चेस्ट रखी भाई, एक भी बेड नहीं मिला भाई। ये ओगी चैन ने सारे बेड ले लिए लग रहा है। चलो ये नल्ले सो जा, क्लच करने के लिए कद्दू मेरा क्लच करता है ये। बाकी तेको याद है ना लास्ट एपिसोड में तेको कैसा पीला था, कहाँ पे भाई तू, ये रहा तेको याद है ना लास्ट एपिसोड में तू कैसे पीला था, है ओए। हाँ चटनी बना दी, हाँ बेटे पंगा मत लियो मुझसे, ठीक है। ओके सो गाइस यार यहाँ पे जो है ना अपनी बारिश भी हो चुकी है भाई, पता नहीं ये क्या हो गया यार, आसमान भी रो रहा है इस बंदे के आने की वजह से। ये बंदा ने सुन, बोल भाई बोल क्या हुआ। बाकी ये पत्नी कोई काम की बात बता रहा होगा भाई, सुन लेते हैं इसकी, क्या पता कोई। मुझे ओली का नंबर, तेरी ऐसी की तैसी, ओली का नंबर चाहिए भाई इसे। यहाँ पे हम यहाँ पे आ रखे हो, इसे ओली का नंबर चाहिए भाई, देख रहे हो इसकी भाई। यार ये कैसा बंदा है यार, भगवान इसे ओली का नंबर चाहिए, चाहिए नहीं मिल गया वे यार भाई। तो मैं क्या करूँ भाई, ये बता, अच्छी बात है देखियो, उसे ओली के साथ बोब रह लेगा भाई, कैसा लगेगा देखो, अच्छा लगेगा है।
हट ये बंदा भी चिढ़ चुका है भाई, ये मेरे को पेल ना दे एकदम। गाइस मैं ना उस कुत्ते के साथ, गाइस मैं ना आपको एक बार बता दूं, लास्ट टाइम भी ना मैंने ओली के रिलेटेड इससे कुछ जोक करते, इससे भाई ओली के मामले में नहीं सुनता ये, ओली के मामले में सीधा चटका देता ये है वो खिचोरे। अभी देखना गाइस मैं बोलूंगा ना, रुक जाओ मैं ना थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, एक सेकेंड रुको। ओली भाभी है तेरी, हाँ हाँ एक सेकेंड गाइस देखना, अभी ना मैं इससे पंगे लूंगा, मैं अभी जैसे ही बोलूंगा ना कि भाई ओली बोप के साथ चली जाएगी, ये देखना मेरे को मारेगा भाई पकड़ के लेजिट। मैं ना जब इसके साथ आ रहा था ना भाई, ओली के लिए नहीं सुनता है कुछ, अभी देखना गाइस, अभी देखो मैं आपको टेस्ट दिखाता हूँ भाई। सुन तेको एक बार बताऊँ, मैं इधर आ, इधर आ, मैं तेको एक बार बताता हूँ, इधर आ मेरे पास आ, इधर आ। तेको पता है वो मैंने ना ओली को ना बोप के साथ देखा था एक रेस्टोरेंट में, दोनों मजे कर रहे थे। देखो भाई मैंने कहा था ना, भाई मैंने कहा था ना, क्या कहा था मैंने भाई, ये पेलता बंदा कसम से बोल रहा हूँ, ये बंदा पेलने को रेडी हो जाता है। बाकी भाई मैं देख, मैं मजाक कर रहा था, मेरे को पता है ओली तेरी है ठीक है, और वो तेरी ही रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है। अभी जल्दी से यहाँ पे बारिश वारिश हो रही है, इसे भी बंद करते हैं भाई, बारिश बंद कर दे, मुझे कल ही मिली थी। अच्छा क्या कह रही थी हैं, कह रही होगी मेरे को बोप का नंबर दे दो। प्राइवेट टॉक, ओ भाई लोंडा हमारा प्राइवेट टॉक कर रहा है भाई, सही है। बाकी यहाँ पे सो जाते हैं। और भाई देख अभी ना देख, आज के एपिसोड में ना बहुत सारा काम है, मेरी बात सुन भाई, तेको इधर आ, बाहर आ, बाहर आ, देख इधर आ, ये पक्का कुछ लिख रहा होगा, कोई चीज हो रही पंती वाली बात। इधर आ भाई मैं पीछे आ, क्या भाई इधर आ मैं पीछे आ, देख मैं ना तेको एक चीज दिखाता हूँ, मेरे पास आके खड़ा हो जा, F5 दबा एक बारी ठीक है। और देख देखो ऐसा लग नहीं रहा भाई कि लेदर का आर्मर कितना घटिया लग रहा है हम पे, मतलब हम पे होना चाहिए अभी फिलहाल के लिए आयरन का आर्मर, समझ रहे ब्रो, और हम ये लेदर के आर्मर में घूम रहे हैं, मतलब एक हिट में हम खत्म हो जाएंगे। तो भाई आज के एपिसोड में ना कुछ भी करके हमें आयरन का आर्मर बनाना है, कुछ चाहे कुछ भी हो जाए ठीक है, ताकि हम थोड़े से स्ट्रोंग बन जाए। एंड थोड़ा ना तू ओली को भूल जा भाई ठीक है, थोड़ा ओली को भूल जा ताकि अपना हम काम पे फोकस कर सके। एंड पीछे अपना आयरन गोलम, ऐसा लग रहा है गोबर लपेट लिया। अरे भाई वैसे बात तो सही है भाई, देखो कहीं ना सही कह रहा है ये भाई, अगर हम इसे मतलब इसका कलर चेंज ना करें ना तो बात तो सही गई है भाई अपने इसने ओगी ने, भाई कहीं ना कहीं तो लग रहा है अगर आप सोचो तो। बाकी एक एक इसे क्या भाई, एक मिनट रुक यार मेरी बात सुन, तेको क्या मजा आता भाई इनकी बेल बजा के इन्हें वापस भेजने में भाई, ये बताएगा मेरे को एक बार ही, बेचारे परेशान हो जाते हैं, हैं फनी लगते हैं भाई, देखो भाई बंदे को फनी लगते हैं वो बंदे डर के भागते, कहीं रेड हो गई हो और ये बंदे को लग रहा होता है वो अपनी जान के लिए भाग रहे होते हैं, और ये बंदा कह रहा फनी लगते हैं, आगे से बंदा कह रहा फनी लगते हैं भाई। अरे हाँ बढ़िया वाह, अरे भाई क्या बंदा रेड करवाते हैं भाई, ये गंदे आइडिया तेरे दिमाग में से आना कब खत्म होगा भाई, ये बताएगा मेरे को एक बार ही, ये लोगों को मार दो भैया, ये कर दो वो कर दो, ये कब बंद हो गया तेरे दिमाग में से, तूने ही दिया, मैंने तो नहीं कहा भाई रेड करवाते, मैं तो कह रहा हूँ कि रेड के डर से भागते हैं वो, कहीं रेड हो गई हो तो, मैंने ये थोड़ी कहा रेड करवाते हैं भाई। ऐसा गंदा बंदा ना, उसी से मिला, क्या लिखा था इसने एक मिनट मेरे को देखना पड़ेगा, तूने ही दिया उसी से मिला, वाह वाह भाई वाह, सही है भाई। बाकी अभी यहाँ पे जो है भाई क्या कर रहा है यार, क्यों घंटिया बजा रहा है, अभी तेको समझाया मैंने फिर घंटिया बजा रहा है, बता बंदा मना कर रहा है, देखो तू क्या कहना चाह रहा है, मैंने दबाई है, हैं भाई मैंने नहीं बजाई ठीक है, ये ना तूने बजाई थी ऐसे करके कि तू बजा रहा है ठीक है, मैंने अब बजाई थी एक बारी, ये क्या बंदा है, वाह बेचारे वो देखो, ये देखी विलेजर को देख, अभी तूने मारा ना मेरे को, इधर देखियो अभी तूने क्या करा, ये क्या करा है तूने, मार है ना मेरे को, बता बता बेटे मजे क्यों ले रहा है, मजे नहीं ले रहा भाई, जो सच है वो है, बाकी बोल दे सच। बाकी यार देखो सीधी सी बात ये है कि ये बंदा जो है भाई बहुत ज़्यादा फनी बनने की कोशिश कर रहा है, जो कि है नहीं, मजाक कर रहा हूँ। बाकी देखो यार ये कैसी हरकतें कर रहा है भाई, ये एक एक व्लॉग से क्लच तो कोई भी कर लेगा, ये इसमें पहली बात तो क्लच होता है क्या, मेरे को ये बताए भाई एक बारी, एक भी वाटर पैकेट दे एक बारी, सुन एक बारी इधर आ फटाफट से,
ये देखो ये बंदा ऊपर जा रहा है, चल तू ऊपर जा, कर कर भाई, मैं नीचे से देखता हूँ तेरे मौत का तमाशा। कहाँ पे है बंदा, मैं इसे नीचे से देखता हूँ। हाँ करियो भाई करियो, ये देखो कर दिया भाई बंदे ने। ऐसी बात नहीं है भाई, मतलब कर लेते हैं एक बार, देखा क्या कह रहा है, मैं करूँ है। अच्छा जी बेटे, बहुत अच्छी एमएलजी आती है मेरे को, ठीक है, बचपन से एमएलजी कर रहा हूँ मैं, हल्के में मत लियो मुझे। ये देख करूँ, ये देख बेटे बहुत अच्छी एमएलजी आती है, क्या सोच रहा है तू। वाओ ये बंदा खुश हो गया, ये तो कुछ नहीं है भाई, हमने बहुत कुछ कर रखा है। बाकी अभी जल्दी से आ जा, अभी ना हमें भाई देख आयरन कार में बनाना है, अभी हरकतें नहीं करनी। तो तेरे पे वुड वगैरह पड़ी है ना, और तूने हाथ तो लगा ही लिया होगा वैसे बेड पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे आसपास केव देखी थी, केव में चलते हैं, एंड बंदे ने वुड दे दिया मेरे को, बहुत बढ़िया। बाकी अभी जल्दी से भाई केव में चलते हैं एंड आयरन वायरन बनाते हैं। हालांकि यहाँ पे एक विलेज में आयरन गोलम स्पॉन तो हो चुका है, बट भाई तू कृपया करके उसे मत पेल दियो भाई, इस बंदे को गुस्सा है पिछले एपिसोड के बाद भाई, इसने उसे पेल दिया भाई, कहता मैं तुम्हें को आयरन चाहिए भाई, अब मैं क्या ही बोलूँ। बाकी अभी यहाँ से चलते हैं, भाई जानवरों को मत मारियो, ठीक है, मैं बता रहा हूँ देखो, जानवरों को मारना ना अच्छी बात नहीं होती, जो तू चलते चलते रास्ते में किसी को भी मार देता ना, ऐसे मारना नहीं चाहिए, समझ रहा ना बात को। खाने के लिए ये देखो, मैंने अभी बोला ही ऐसे मत मारा कर भाई, फिर मार रहा है बेचारे मासूम जानवर ने, तेरा क्या करा है भाई, ये छोटे से इधर देखियो मेरे पास मेरी तरफ, इन छोटे छोटे मासूम से जानवरों ने तेरा क्या करा है भाई, ये बता मेरे को, तूने भी तो मारा। मैंने तो भाई देख तुझसे बड़ा हूँ एज में, मैं कुछ भी करूँ, तू क्यों कर रहा है भाई, मैंने तो तेरे को मना करा है ना, मैं तो तेरे को मना करा है ब्रो, तू मत कर, तू अपने बड़े भाई की बात मान, ठीक है, अब मत मारियो। ओके अंकल तेरी भैंस की, इधर आ तू, इधर आ, कहाँ जा रहे तेरी हंसी की तैसी। ये बंदा ना सुधरेगा नहीं कभी, हैं सुधरेगा नहीं, मतलब तू चल आ जा, नहीं मार रहा, इधर आ जा, अपनी पार्कोर स्किल ना बार में दिखाइयो ना, पार्कोर कर रहा है, तब तो काम आई नहीं जब मैं तेरे को पेल रहा था कल, हाँ नहीं तो कल भी कर लेता थोड़ी। इधर आ जा जल्दी से। बाकी यहाँ पे केव वगैरह हमें ढूंढनी पड़ेगी, यहाँ पे कोपर रखा है, ठीक है, कोपर की हमें ज़रूरत नहीं। एक काम कर भाई जल्दी जा, देख सुन मेरी बात सुन, एक काम कर इधर आ फटाफट, इधर आ मेरे पास आ, और एग्जैक्ट इस जगह के, ठीक है, एग्जैक्ट इस जगह के मेरे पास आ। अंकल जी भड़क गए, बेटे बना दूंगा तेरे को अंकल मैं अभी, ठीक है, इधर आ। मैं कह रहा था भाई देख इस जगह के ना कोऑर्डिनेट्स निकाल ले, इन केस अगर हम भटक गए ना तो भाई हम सीधा यहाँ पे आ जाएंगे। कोऑर्डिनेट्स का एसएस ले ले या कुछ भी कर ले, टेक्स्ट में लिख लो, पर कोऑर्डिनेट्स जरूर से निकाल लियो भाई, मेरे को तो स्क्रीनशॉट लेना आता नहीं सही से अभी यहाँ पे, ठीक है, तू ले लियो अगर तेरे को आता है तो, एंड जब तेरा कोऑर्डिनेट्स का स्क्रीनशॉट हो जाए तो बता दियो। ले लिया, चल आ जा, बढ़िया भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता गाइस यार देखो कि अभी ना यहाँ पे हम अपना इस घर से जो है भटक जाए, क्योंकि भाई ये बेस्ट लोकेशन मेरे को अभी तक फिलहाल के लिए लगी है। बाकी यहाँ पे केव हमने देखी थी लास्ट टाइम, है ना, जब हम ऑफलाइन में थे, मतलब मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था तब देखी थी हमने शायद एक केव। कहाँ पे है वो, कोई आइडिया है तेरे को। बाकी सामने की तरफ, ओ ये रही शायद मेरे हिसाब से, इधर आइयो, ये रही ये केव ही है ना, या ऐसी है कुछ, नहीं बेकार लग रहा है मेरे को तो, ये छोड़ आ जा वापस आ जा, ये तो पानी है भाई, पानी के अंदर नहीं जाना मेरे को। केव वेव ढूंढ रो यहाँ पे भाई, सही है यार, दोपहर भी हो गया, सो ही जा पहले, फिर उसके बाद केव वेव ढूंढते अपनी, एंड देन अपना चलते हैं, हम अपना आयरन का सामान बनाना है भाई मेरे को कुछ भी करके, ठीक है, आज की डेट में आयरन चाहिए मेरे को। बाकी भी जल्दी से चलते हैं एंड फटाफट से सो जाते हैं भाई, क्योंकि ना मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, और तू नीले बिल्ले मेरे घर में मत आई हो, मैं बता रहा हूँ तेरे को, शांति से मैं जा रहा हूँ सोने, एंड तू भी सो जा, उसके बाद चलते हैं आयरन का आर्मर बनाने भाई। हाँ एक और यहाँ पे प्यारी सुबह हो चुकी है, एंड ये बिल्ला कहाँ पे है, ये बिल्ला नहीं दिख रहा मेरे को, कहाँ पे वे नीले बिल्ले, कहाँ पे है उगी चैन, कहाँ पे है भाई, छुपन छुपाई खेल रहे क्या मेरे साथ हैं, उगी चैन कहाँ है भाई ये बंदा, यार भाई देख छुपन छुपाई खेल रहे, तो मैं बता रहा हूँ देखो ये हरकतें करने का समय नहीं है अभी हमारे पास, सीधा आयरन ढूंढने हमें जाना है, शांति से आ जा भाई बाहर। भाई अंदर एक सेकंड में गायब हो गया, बताओ आकी पत्नी अगर दूर हुए से मेरी आवाज भी आ रही कि नहीं आ रही भाई, ये क्या बंदा भाई, इसे हमेशा अपने साथ रखना पड़ता है ना, खो जाता है बंदा भी, पत्नी
क्या अजीब बंदा है। हाँ वो देखो वो रहा, हाँ ये रहा भाई, ये हाँ रहा भाई, तेरी ऐसी की तैसी भाई। मैसेज भी कर दिया अगर, बोलता तो तू है नहीं, मैसेज ही कर दिया अगर, है मैसेज भी नहीं करना। चल अब आ जा, जल्दी से आ जा मेरे साथ, एंड केव में चलते हैं भाई, केव वेव ढूंढते हैं। आवाज़ कहाँ आई? अच्छा आवाज़, अरे हाँ ठीक है, माई बैड, मैं थोड़े से दूर था शायद, इसे मेरी आवाज़ नहीं आई होगी। चल भाई आ जा, जल्दी आ जा, फटाफट से हम चलते हैं, केव वेव ढूंढते हैं, ठीक है, एंड लेट्स गो भाई। आज की डेट में अगर आयरन कार में बन जाए ना तो सही रहेगा। वैसे मेरे को लगता नहीं है भाई बन पाएगा, लेकिन भाई हम अपना पूरा ट्राई करेंगे। क्यों होगी चैन, गलत कहा है मैंने भाई? देखो हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है? हाँ क्या गलत कहा है मैंने? नहीं हाँ सही है, अब सही है, चला आ जा। क्यों भाई कितना दरिंदा है भाई, ये बेचारे छोटे छोटे चिकन्स को भी नहीं छोड़ रहा। आ जा भाई आ जा, उनसे तेरा पेट नहीं भरने वाला पूरा, आ जा। बाकी यहाँ पे ओ ये रिकेव भाई, आ जा अंदर, कोल वोल पड़े हैं, कोल वोल ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि ओ तेरी भैंस का। ओ भाई अभी गिर जाता मैं गंदा भाई। ओ भाई संभल के आइयो थोड़ा, भाई संभल के आइयो, ठीक है। बाकी वूल की तो हमें अभी कोई ज़रूरत है नहीं, तो वूल लगा सकते हैं, ठीक है, संभल के आइयो भाई, यहाँ पे ना थोड़ा वो है, मैं बोल रहा हूँ संभल के आइयो, फिर कूद फांद रहा है। बस शुरू हो गए खद्दू गेंग का, ये आते ही शुरू हो गया भाई माल उठाना। ये नहीं 2 मिनट रुक जाए अपने दोस्त के लिए, पर नहीं भैया मेरे को तो अपना कोल से मतलब है। कहाँ है? यहाँ पे है ना आयरन, तू एक काम कर, मेरे पे रुक जा, ये ले कूद मार ले, आ जा छलांग मार यहाँ पे, बस वहाँ पे चला जा, बेस्ट है बेस्ट है। अब मैं जा रहा हूँ ओवला आयरन लेने, ठीक है। ओके 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 ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। ये रहा, मैं वही सोचूं भाई आयरन कहाँ चला गया अपना। ओ यहाँ पे अपना आयरन गिर चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, गिरने दो, हम MLG करके नीचे चल। ओ भाई बहुत सारा आयरन होगी, हमारा काम हो गया मेरे हिसाब से। यहाँ पे पूरी मेरे को 5-6 की वेन मिल चुकी है मेरे हिसाब से भाई साहब, होगी बहुत सही हो गया। अब तो तू ओली को इम्प्रेस कर सकता है बाय द वे। बाकी यहाँ पे जो है मैं MLG कर लेता हूँ, ये बंदा खुश हो रहा है। रुक जा सुन, तू मैं नीचे जा रहा हूँ MLG करके, अगर मैं मर गया, वैसे तो मैं मरूंगा नहीं, बट स्टिल मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं फिर नीचे जाके पानी जो है फेंक दूंगा, ठीक है, आराम, तू वहीं पर ही रह, मैं पानी फेंक दूंगा तेरे लिए, ठीक है। आ जाइयो अब आ जाइयो, ठीक है, रुक जा 1 सेकेंड, फैलाने दे पानी को। रुक जा, कैसे जंप मारेगा तू? एक ब्लॉक पे जंप मार सकता है पानी की ये? एक चल रुक, 1 सेकेंड रुक जा, हाँ अब सही है, आ जाओ आ जा आ जा आ जा, आ जा। बाकी यहाँ पे देख अपने पीछे देख, आयरन ही आयरन है, सारा आयरन चुरा ले भाई, सारा आयरन चुरा ले, बहुत सारा आयरन है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी तेरे पास कितना आयरन होगी ये बता भाई मेरे को पहले, तेरे पे टोटल कितना? देख मेरे भाई मेरे पे अभी है 9, हमें चाहिए टोटल 48 दोनों का आयरन आर्मर बनाने के लिए, सिर्फ आयरन आर्मर की बात कर रहा हूँ मैं, टूल्स वगैरह अभी नहीं। तेरे पे कितना आयरन है टोटल ये बता मेरे को जल्दी से। 4, गरीब ही रही हो तू हमेशा, ठीक है, गरीब ही रही हो जिंदगी भर। 12 है मेरे पे, तो 13 हो चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे आए थे ना भाई, मिल जाएंगे मेरे हिसाब से, तो एक बंदे का तो इजीली बन जाएगा, लेकिन आज के एपिसोड में कुछ हम दोनों का बनवाना है। यहाँ पे 16 हो चुके हैं ब्रो मेरे पे, ठीक है, और तेरे पास कितने? 5 है ना, कितने तेरे पास? 5 है, 1 सेकेंड, एक ये रे आयरन, आयरन मिल गया और सारे। ये एक काम कर, होगी इधर आ, गोल्ड गोल्ड अभी छोड़ दे, गोल्ड जब तक नहीं टूटेगी जब तक आयरन पिकेक्स नहीं होगी, एक काम कर, ये पानी से ऊपर ट्रैवल करके वो वाला आयरन तोड़ दे ऊपर है, ठीक है, मैं ये वाला तोड़ रहा हूँ भाई, यहाँ पे चल ठीक है, ये तोड़ दे, छोड़ मैं ऊपर वाला तोड़ आता हूँ। बाकी यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली भाई ज़ोंबी की आवाज आ रही है, तेरे को आ रही है क्या? ये सिर्फ मेरे को आ रही है, हाँ। बाकी मेरे पास 20 आयरन हो चुके हैं, अब तेरे पे कितने हैं? 7, 27 आयरन हमारे पास हो चुके हैं, ठीक है, और यानी एक बंदे का तो बन जाएगा 48 करने होगी हमें कुछ भी करके, समझ रहा है, 48, ठीक है, क्योंकि एक आर्मर में 24 लगते हैं, तो 2 आर्मर के हिसाब से 48 हो गया। बाकी कोल सुन, इधर आ कोल वोल उठा ले तू यहाँ से, ठीक है, मैं आगे आयरन और ढूंढ के आता हूँ, अगर मिल जाए तो, जब तक कोल ले ले सारा, कोल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल तो। वो देखो एक आयरन, 2 आयरन वहाँ पे छूट गए, मैं फटाफट से वो ले आता हूँ। यहाँ से स्केलेटन स्केलेटन सबकी आवाज़ आ रही है, मैं नहीं जा रहा भाई अंदर, होगी तू जहाँ पे वहीं पर ही रही हो, ठीक है,
बिल्कुल भी यहाँ पे आने की गलती मत करियो वरना तू पिल जाएगा। तेरी भैंस का डंडा आ जा, तेरी ऐसी की तैसी तेरी, चल निकल यहाँ से। बाकी अभी यहाँ से जो है मेरे को भाई, यार ओगी एक बात बता, अगर ओली तेरे को धोखा दे के बोब के पास चली जाएगी तो तेरे को कैसा लगेगा? भाई मैं बोब का मर्डर कर दूंगा। अरे भाई साहब, अरे भाई कंट्रोल, भाई कंट्रोल, कोई बात नहीं। उसकी ढाकी टिक्की कर दूंगा। अरे भाई भाई एक और आयरन मिल गया भाई, सही है। तेरे पास देखो आयरन वायरन दिखे भाई? रवे एक आयरन ही था, वाह 27 आयरन हो चुके हैं। नहीं एक नहीं था भाई, मेरी भी आंखें पत्नी क्या हो चुकी है, ओगी चैन की तरह हो चुकी है मेरी भी आंखें। बाकी यहाँ पे जो है आयरन ले लेते हैं और सारा। यहाँ पे जो है मेरे पास 32 आयरन हो चुके हैं, और इस नमून के पास जो है अपना 7 आयरन है। हमें मुझे डर लग रहा है, कहाँ पे है भाई तू? मैंने कहा ही था देखो भाई मत आइयो मेरे साथ, क्योंकि तो कहता नहीं भैया एडवेंचर करेंगे, कर ले भाई एडवेंचर, मैंने कहा ही था भाई। रुक जा आ रहा हूँ मैं, एंडरमैन का साउंड आ रहा है भाई, एंडरमैन से डर रहा है भाई ये बंदा। कहाँ पे है भाई? रुक जा, तू एक काम कर अपना नेम टैग मेरे को अगर तेरा दिख जाए ना तो सही रहेगा। एक काम कर बाहर आ जा, बाहर आ जा भाई। लास्ट टाइम ये कहाँ गया था भाई रवे? यहाँ से मेरे को इसकी टॉर्च तो दिख रही है, यहाँ से गया था भाई मेरे को तेरी टॉर्च तो दिख रही है भाई। कैसा बंदा भाई, एक एक ब्लॉक की दूरी पे लगा रखी है। कहाँ पे एंडरमैन बता? इसे आयरन नहीं दिखा यार यहाँ, एक सेकेंड। अच्छा ये वो है कोपर है, मैं वही सोचूं भाई। यहाँ पे कोल वगैरह रखा है भाई, कोल वगैरह ले ले जितना ले सकता है। वो क्या है? एंडरमैन देख लिया उसने, अब वो मेरी ऐसी की तैसी करेगा। आ जा अबे, मारना इसे ओगी चैन। शुक्र है भाई शुक्र है, कुछ कर लिया तूने। अभी वो मेरी चटनी बना देता। आ जा, मैंने मारा मैंने मारा। हाँ भाई तूने मारा, सही कह रहा है। मेरी तो उसने मेरे को तो उसने मारा ही नहीं ना भाई, मैंने तो उसे मारा ही नहीं, मैंने तो उसे एक हिट भी नहीं मारा भाई, पूरा तूने मारा लास्ट हिट लेके। राइट सही है भाई, चलो भाई जल्दी चलो यार, अभी जल्दी चलते हैं। यहाँ पे आयरन वायरन मिल जाए तो मजा आ जाए भाई। यहाँ पे ना आसपास देखता रही हूँ, यहाँ पे पक्का आयरन होगा भाई, देखा मैंने कहा था ना। उठा ले भाई उठा ले, सारा आयरन उठा ले भाई। यहाँ पे ना और बहुत सारा आयरन होगा, देख मेरे हिसाब से देख, एक तो यही रहा ठीक है, और यहाँ पे एक ये रहा भाई। आयरन अब मिलता रहेगा हमें ठीक है, 36 हो चुके हैं, थोड़े से और तू भी ढूंढ ले भाई मेरे। और भाई एकदम अच्छे से देखियो भाई, एकदम अच्छे से देखियो, कोई ना कोई आयरन तो होगी होगा यहाँ पे। रेड स्टोन, अबे रेड स्टोन का क्या चार डालेगा भाई, तुम्हें को ये बताएगा एक बारी? दो टॉर्च पकड़ाई भी तो कितनी सारी पकड़ा दी भाई, थैंक यू भाई, इतनी सारी क्यों पकड़ा दी आपने मेरे को? आयरन कहाँ पे है, कहाँ पे आयरन? आयरन 11 हो चुकी है तेरे पे बे यार, ये क्या खुल गया? हाँ मैं कह रहा था आयरन 11 हो चुके हैं क्या तेरे पे? सही है 36 46 47, बस एक आयरन चाहिए हमें। आ जा एक आयरन बस ठीक है, उसके बाद हम चले जाएंगे यहाँ से भैया। एक आयरन और दे दो, एक आयरन मिल चुका है ये। चलो भाई यहाँ पे जो है फाइनली हम दोनों का आर्मर जो है कंप्लीट हो पाएगा भाई, शुक्र है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ। एक काम कर जल्दी से कोल वगैरह भी उठा ले, क्योंकि खाना पकाने की ये हमारा बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ब्रो, मैं अनपढ़ नहीं हूँ। बस बस बस, ओ भाई सामने की तरफ देख एक नया बायोम, यहाँ की कुछ चार पांच तकड़ियाँ तकड़ियाँ क्या होता है भाई? एक सेकेंड, आई एम जस्ट 10th फेल। हाँ भाई बंदा इधर आइयो, शक्ल दिखाइयो अपनी, इधर आइयो शक्ल दिखाइयो शक्ल। भाई बंदे को अनपढ़ कैसे बोल रहे हो तुम? ये इसे अनपढ़ कैसे बोल रहे हो भाई, मेरे को ये बताओ। बस 10वीं फेल है ये। बाकी भी जल्दी चलते हैं यार बेचारा। टेम करना है देखो इसे,
हड्डी है तेरे पे। नहीं भाई मेरे पे तो है नहीं है, मेरे पे तो एक भी बोन नहीं पड़ी भाई। मेरे पे तो एक भी बोन नहीं पड़ी। ये ले भाई ये ले, यार क्या ही बोलो यार, ये ले। बच्चा बेचारा खुश हो जाएगा। एक अगर जल्दी में टेम हो जाए तो एक बोन मेरे को भी दे दियो, मैं यहाँ पे एक और टेम कर लूंगा अपने लिए भी। बेस्ट फ्रेंड फॉर, बहुत बढ़िया, जल्दी दे दे मेरे को, बस बढ़िया। हाँ एक और कुत्ता मैंने यहाँ पे आसपास में देखा था, कहाँ पे है ये रहा। हाँ इधर आ, इसका नाम रखूंगा मैं चुटकी। अबे अबे भाई ये मार, अबे अपने कुत्ते को समझा ले भाई, पेल रही मेरे को। और उस बुखड़ ने इसकी ऐसी की तैसी मेरे मेरे सारे ये खा गया, सारे के सारी हड्डियां खा गए, और टेम नहीं हुआ। मन कर रहा है इसे भी पेल लूं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं इसे ओली को दूंगा भाई। दे दे भाई, एक काम का बेड रख दे यहाँ पे, जल्दी से मैं सो जाता हूँ, उसके बाद अपना विलेज चलते हैं। चल ये जो कुत्ता तेरा मेरे पे धाड़ रहा है ना, इसके बता दूंगा मैं, जा जा ज्वाइन कर ले भाई। देख लो कैसे धाड़ रहा है मेरे पे। अबे क्योंकि ठीक है यार, एक काम करते हैं, ऐसे नहीं करते। ये देखो इस एक गधा अपने कुत्ते को समझा रहा है, ऐसे नहीं करते। ठीक है भाई, बाकी एक काम कर भाई, ओगी जल्दी से कोऑर्डिनेट्स बता मेरे को कहाँ के थे अपने विलेज के, फिर चलते अपना विलेज में, एंड वहां पे जाके जो है ना हम अपना आयरन बना, आयरन कार में बनाएंगे। जाए जल्दी आ जा, आ रहा हूँ। देखा भाई तेरा भाई, जब तक तेरे साथ है तू नहीं खो सकता। ठीक है आ जा, यहाँ पे हमें जो है ये भी मिल चुका है। बाकी भाई कल दशहरा, हमारी ऑडियंस का हैप्पी दशहरा तो कर दे भाई, अपनी और मेरी तरफ से। बाय द वे कल भाई दशहरा है, हैप्पी दशहरा टू ऑल जो जो ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है बाकी अपना मजे करना, एंड थोड़ा मैं तो यही कहूंगा भाई, क्रैकर्स को मत ही फोड़ना भाई, क्योंकि पोल्यूशन ही फैलता है। क्यों होगी, तेरा क्या कहना है इस बारे में? सबको बधाई, तेरा क्या कहना होगी इस बारे में, क्रैकर्स हमें फोड़ने चाहिए? बिल्कुल नहीं, एग्जैक्टली भाई, क्रैकर्स बिल्कुल मत बर्न करना, मैं तो यही कह रहा हूँ। क्योंकि भाई देखो पोल्यूशन फैलता है भाई, माना कि देखो ये तो सच है कि राम भगवान आए थे दशहरा के दिन, मतलब उनका वध करा था, सॉरी आए नहीं थे, राम भगवान ने वध करा था। बट भाई वो ये नहीं कहते कि भाई तुम अपना क्रैकर्स बंद करो, ये करो वो करो, पोल्यूशन फैलाओ भाई, एनवायरमेंट के साथ फ्रेंडली रहो, एंड अपना दशहरा सेलिब्रेट करो भाई। ठीक है बाकी यहाँ पे आ चुका है ना तू, चल आयरन कार में बनाते, जल्दी से आ जा। बाकी यहाँ पे आयरन कार में बनाते हैं, एंड हाँ गाइस ये ना वीडियो जो है ना मेरी, शायद मेरे कल, मैं ना वीडियो एक दिन पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो भाई दशहरा के दिन वीडियो आएगी, तो आप ये मत सोचना भैया ये क्या पागल आदमी है, दशहरा तो आज है, कल का क्यों बोल रहा है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, एक दिन लेट होती है मेरी वीडियो मतलब रिकॉर्डिंग की, ये तो ओगी को भी पता ही है। क्यों होगी पता नहीं है ना तेरे को? हाँ देखो इसको भी पता भाई। आ जा आयरन कार में बनाने के लिए रेडी है, इधर आ। चल पहले मेरे को अपने सारे के सारे आयरन दे दे, उसके बाद मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। चल 50 आयरन हो चुके हैं, इसे करते हूँ मैं 25 पकड़िए ले भाई, 24 भी छोड़ 25 ले ले, वो देख पीछे रखा है। और अब ओली खुश हो जाएगी। चिचोरे निकल जाए यहाँ से, और ये अपने कुत्ते को समझा ले ठीक है, यहाँ पे आ जा जल्दी से। बट यू आर अ, रुक जा तेरी ऐसी की तैसी, रुक रुक भाई तू रुक। अबे रहने दे भाई, क्यों खराब कर रहा है वर्ल्ड मेरा। बाकी ये भी जल्दी से चलते हैं, एंड 2 मिनट दियो भाई मेरे को। हाँ तो भाई देख मैं ये कह रहा था भाई, हमेशा तेरे को पता है जब भी मैं रिकॉर्डिंग करने बैठूंगा तभी कोई ना कोई आ जाता है, ऐसा क्यों होता है भाई बता? क्योंकि मजाक इज अ मजा भाई। ओए सुन, अपने मालिक को समझा, इंग्लिश अच्छे से सीख के आए, समझ रहा है मेरी बात को? ये देखो ये भी कह रहा है मैं तो अपने मालिक की तरह हूँ भैया, जैसा मालिक वैसा कुत्ता। सही है, सो जा भाई जल्दी से सो जा, बाकी जल्दी से जो है अपना हाँ
सो के नया दिन आ जाएगा हमारा, शुरू हो जाएगा। इन फटाफट से यहाँ पे जो है ना, मैं आयरन का आर्मर बनाता हूँ इसके साथ मिलके, और अपने कुत्ते को बिठा ले भाई, ये पिल विल जाएगा मुझसे। वटा सुहाना डे भाई, छोड़ यार भाई, इसकी इंग्लिश क्या इंग्लिश है भाई ये, बाकी एग्जैक्ट जो भी साठ है तुम भाई जो। ये ले भाई देख सुन। अबे भाई मैं ना तेरा आयरन लेके तेरे को बांट रहा था, ठीक है। ये ले तेरा आयरन, ठीक है, एक सेकंड रुक जा। ये ले, ठीक है। क्या ही पागल बंदा है, मैंने अपने 24 आयरन इसे ले लिए, 25 इसके ले लिए। बाकी भाई बना ले सुन, अपना आयरन कार्बन बना ले फटाफट से, ठीक है। बढ़िया, मैं भी बना लेता हूँ। बाकी यहाँ पे जो है आयरन कार्बन में बना लेता हूँ सूटअप, बढ़िया लग रहा है भाई एडवांसमेंट देख के ये। हाँ हाँ कुछ ज्यादा नहीं कर रहे होगी, इन्हें बताया क्या? बाकी नहीं यार, अगर हमने इन्हें बताया ना तो आयरन गोलम हमें बता देगा। अपना यहाँ पे ये भी बन गया, एंड बूट्स भी मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। एक आयरन यहाँ से लेके, बस भाई ये कूड़ा दिख रहा है कहते को, मेरी इन्वेंटरी कूड़ा दिख रही है कहते को, बस जो सामान नहीं मिल रहा वो मेरे को फेंकता जा रहा है, ते निकल यहाँ से। हाँ जी, तो बाकी अभी जल्दी से यहाँ पे जो है ना चेस्ट वेस्ट में मैं अपना एक कूड़ा कचारा रख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने आसपास चेस्ट देखी थी बाय द वे, वो चेस्ट अगर मेरे को मिल जाए ना तो मज़े आ जाएगा। यहाँ पे भी नहीं है, और ये देखो आयरन गोलम को, इन अल्लाह कुछ नहीं कर रहा भाई, जल्दी चलते अभी। यहाँ पे एक भी चेस्ट, अबे ओगी यार तेरे को यहाँ पे एक चेस्ट दिखी थी क्या? मेरे को तो दिखी थी भाई, मेरे को नहीं दिख रही। अब यार ढूंढ कोई चेस्ट वेस्ट, अबे यार इसे बिठा ले, तू ये पिट जाएगा वो री। यहाँ पे जो है मैं रख ले तो अपना ये सारा सामान, ठीक है। और ये सारा इसका था भाई, ये जो कचरा करकट, ये जो मेरी इन्वेंट्री में फेंक रहा था ना, इसे बताऊंगा अच्छे से मैं। बाकी यहाँ पे जो है अपना ये सारा का सारा कचरा जो है फेंक देते हैं। वाह, ये देख, रुक जा, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, एक सेकेंड रुक जा, मैं अपनी थोड़ी इन्वेंट्री क्लियर करके आता हूँ। क्राफ्टिंग टेबल तो चाहिए होगी ब्रो, बाकी सब ठीक है मेरे हिसाब से। चलो, होगी इधर आ, मेरा डोग टोर्च पे बैठ गया, सही है भाई। से तो ऐसी ऐसी बिठाई से इसकी बहस कर, मैं मारूंगा ना अभी। तू क्या क्या देख रहा है बताऊं अभी तेको? हैं, रुक जा, ये ले खाएगा, ये खाएगा, ये ले खा ले, अब मत भूखियो, अभी इसे खड़ा करिए एक बार, मेरे को देखना अभी भी काटता है मेरे को, अभी नहीं काट रहा है मेरे को। चल बेचारे की टोर्च हटा दे यार, दर्द हो रहा होगा बेचारे की, ऐसी जैसी होगी होगी। बाकी इधर आ भाई, मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से इधर आउटरो करते हैं, एंड फटाफट से आ जा ब्रो। यहाँ पे जो है मैं अपना आयरन का आर्मर पहन के आउटरो करूँगा बाय द वे। एंड गाइस, तुम्हारे भाइयों के पास, ये ओगी चैन के पास भी आयरन मैंने बनवा दिया इसका, इस नलबात से, तो वरना कुछ ना होता, वो तो भाई मैं इसके साथ था वरना कर लिया मैंने, ठीक है। और ये क्या कर रहा है भाई, ये तू तू क्या कर रहा है ये, हैं ये कोबल स्टोन से खेलना बंद करेगा? आउटरो करने देने को शांति से। हाँ तो गाइस यार, मैं तू ना एक बात बोलूँ, देखो एक भी अपना हेलमेट हेलमेट उतारियो एक बारी। तू ना बेटे ना इंट्रो में ना ही आउटरो में आने के लायक है, ठीक है। नहीं, शक्ल अगले अगले एपिसोड में दिखाइयो मेरे को, निकल जाए यहाँ से। ओके सो गाइस यार, यहाँ से जो है ना अपनी वीडियो हम जो है एंड करते हैं। अगर आज की वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी ऑल पे दबा देना ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड ओगी भैया, कुछ कहना चाहोगे ऑडियंस को एंड करने से पहले? अबे निकल यहाँ से, लाइक मार दो, अबे इसे बिठा दे, इसका लाइक बना दूंगा मैं। तो गाइस यार लाइक मार देना, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।